कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतई नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए। हम लोग ने उसका कुछ कौन कारण, कुछ मुख्य कारण, कुछ साधारण कारण, कुछ विशेष कारण। हम लोगों ने उनका जो गौण कारण था, दो कारण, एक गौण में भी जो गौण के गौण और गौरण के जो मुख्य है, हम लोगों ने ये दो कारण को श्रवण कर चुके हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे जगत में आने का उनको जो मुख्य कारण था, मुख्य में जो साधारण कारण, जो गौण कारण, आज उसको हम श्रवण करेंगे। कहते मुख्य का जो गौण कारण है, कहते जब श्री अद्वैत आचार्य इसी जगत में आए, कहते ये अद्वैत आचार्य श्री महाविष्णु है। जब महाप्रभु आने से पहले जब अद्वैत आचार्य जगत में आए, उन्होंने संसार का स्थितियों को उन्होंने दर्शन किया है। लेकिन उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने ये देखा लक्ष्मी सर्प संपत्ति देव लक्ष्मी महाप्रभु आने वाले, इसलिए लक्ष्मी ने पूरा के पूरा है बोले जयति ते धिकम जन्म ना प्रज श्रयत इंदिरा सस्व दत् रही। जैसे कृष्ण आने से पहले जैसे इसी जो वृंदावन धाम लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु आने से पहले लक्ष्मी संपूर्ण नवद्वीप धाम को हरा भरा बनाकर रखी थी। पेड़ पौधा लता पता फल फूल से संपूर्ण लदे हुए। लेकिन लोगों का क्या स्थिति था, कहते जो लोग है अपना समय को व्यर्थ जीवन को गमाया करते थे, अपना व्यवहारिक रस में खाने पीने सोने में ही अपना जीवन को बिताया करते थे। अभी श्री अद्वैत आचार्य जब जगत में आए, उन्होंने जब ये दुर्दशा को देखा, जगत कैसे भक्ति शून्य है, कैसे मंगल चंडिका गीत कैसे गाते हैं, कैसे विश्वहरी देवी की जागरण कैसे करते हैं, और बहु रुपया पैसा देख करके उन्होंने पुतला पुतलियों का साथी, बिल्ला बिल्लियों की साथी, कुत्ता कुत्तियों की अंदर में साथी हैं, और उन्होंने इतने पैसा खर्चा करते थे बंदर बंदरियों का शादी में, करोड़ों रुपया उसमें खर्चा कराया करते थे। लेकिन जगत में कहीं भी कृष्ण कीर्तन का कोई नाम गंध तक भी नहीं था। जब लोग केवल स्नान करते थे उसी समय कोई पुंडरीकाक्ष है, और कोई लोग कभी गोविंद का कोई नाम लिया करते थे, अगर कोई गीता भागवत भी पढ़ते थे, लेकिन गीता भागवत का जो सार है हरि भक्ति, इसी विषय पर कोई चर्चा नहीं, केवल गीता भागवत को लेकर के तर्क वितर्क है, आपस में कलह केवल यही करते थे। लेकिन यह स्थिति को देख करके अद्वैत आचार्य जब बड़ी दुखी हो गए। बोले क्यों दुखी, कारण क्या? बोले कारण है, कहते अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, यही महाविष्णु कहते माया दक्षिण प्रकृति श्रुयते सचराचरम। जब यही महाविष्णु माया के प्रति इखन करते हैं, तब माया खोबित होकर के अनंत करोड़ ब्रह्मांड को
सृष्टि कर दी, इसलिए ये ब्रह्मांड को जो सृष्टि करता है श्री अद्वैत आचार्य, इसलिए सृष्टि करता होने का नाते कहते नियम है जो जगत को सृष्टि करे, नियम है जगत को पालन करना भी उनका ही कर्तव्य है। पालन कैसे करनी चाहिए, केवल खाना पीना दे करके नहीं, बोले हरि भक्ति को द्वारा ही जो पालन करते हैं वही पालन ही सर्वश्रेष्ठ पालन है। इसलिए दया तो बहुत तरह का दया है, कोई कपड़ा लता, कोई धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, दवा खाना, स्कूल कॉलेज, कहते इसको द्वारा तो कोई दया करते हैं, लेकिन ये जो दया है ये पूर्ण दया नहीं। पूर्ण दया क्या है, है? पूर्ण दया क्या, तब श्री गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, बोले तब कथा मृतम ताप तजे बनाम कभी भी रीतम कल्म साप श्रावण मंगल श्रीमता तथा राधा रानी कहती हैं, जगत में जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, ये जगत में सबसे बड़ा दान जो कृष्ण कथा जीव को दान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं माया में फंसे हुए जो जीव है इन लोगों को किसी तरह से हरि भक्ति की बात समझा बुझा करके एक व्यक्ति को अगर कोई भजन में लगा दिया उसमें जो पुण्य है, कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोलने पर भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए अभी श्री अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, लोग तो खा पी रहे हैं, संसार के जो व्यवहार का रस में तो मस्त हैं, लेकिन कोई भगवान की भजन नहीं कर रहे। जिसके लिए ये जीवन दिया है, जिसके लिए मैंने ये दुनिया को बनाया है, किसके लिए बनाए दुनिया को, क्या आओ खाओ पियो और घर गृहस्थी करो और मर जाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को कोटन लगे कपास, ये मानव शरीर का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आए थे हरि भजन को, केवल हरि की भजन करने के लिए ही हम आए हैं। इसलिए श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी, गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति सिद्धांत ये सारे को सारे हैं चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, बोले क्या है, बोले भजिए राम सब काज बिसारी, सारे काम को छोड़ करके क्या करो, भजिए राम, भजिए राम, राम को ही भक्ति करो। इसलिए अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं ये कोई भगवान की भक्ति भक्ति से कोई का मतलब ही नहीं। इसलिए बड़े दुखी होकर के सोच रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कलिजुग का जो युव धर्म है हरिनाम संकीर्तन। अद्वैताचार्य महाविष्णु कहते वो कलिजुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो सोच रहे हैं मैं तो प्रचार कर सकता हूँ लेकिन ये जो कलिजुग है ये कलिजुग साधारण कलिजुग नहीं, ये धन्य कलिजुग है। और इसी धन्य कलिजुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और आकर के सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे और जगत में वो ब्रज प्रेम राधा रानी के निकुंज सेवा को प्रदान करने वाले। लेकिन ये जो काम है ये काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे प्रभु ही, केवल मेरे प्रभु ही ये काम को कर सकते हैं। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने देखा क्या करनी चाहिए, हैं क्या करनी चाहिए जो जल्दी से जल्दी इस जगत में मेरे प्रभु आए। तब उन्होंने सारे शास्त्र को उन्होंने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उनको एक श्लोक मिला, क्या श्लोक मिला है बोलो, तुलसी, अरे बोलो, कोई बोल नहीं रहे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य शुल्कन वा विकृणीत सो आत्मानां भक्तभ्य भक्तवत्सल। उन्होंने शास्त्र ढूंढते ढूंढते गौतम तंत्र में
उनको ये श्लोक मिला। देखिए तो शास्त्र में तो बता रहा है, अगर कोई एक गंडूस कोई गंगा जल ले, उसमें एक तुलसी पत्र दे करके भगवान को अर्पण कर दे, हैं अर्पण कर दे, तो भगवान उसकी ऋणी से उऋणी होने के लिए अपना सर को खुजलाने लग जाते। कहते हम सर कब खुजलाते हैं, जब ज्यादा हम ऋणी ग्रस्त हो जाते हैं। भैया उसका ऋणी को कैसे उतारेंगे, उसका ऋणी कैसे उतारेंगे, तब हम सर को खुजलाने लग जाते हैं। इसलिए केवल तुलसी और गंगा जल को द्वारा भगवान संपूर्ण उसकी चरण में पीक जाते हैं। जब उन्होंने ये श्लोक को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने महाप्रभु को गंगा जल और तुलसी से भगवान को उन्होंने आह्वान किया। कहते भैया जो तुलसी है, तुलसी क्या है, ये भगवान को इतने प्रिय क्यों है? बोले ना, वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमो है। इसलिए ये कृष्ण की प्रिया है, कृष्ण की ये प्रिया है, कृष्ण भक्ति को ये देने वाले। इसलिए भक्त्या विहीना अपराध लक्षय कृपा सिकामादि तरंग मध्य कृपा मई त्वाम शरणम प्रपर्णा वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसलिए कति जो वृंदा देवी, हमारे जीवन का जितने अपराध है, जितने सारे पाप अपराध को ये दूर करके भगवान के चरण में ये भक्ति देने वाले श्री वृंदा देवी है। कहते भगवान की विशेष करके, कहते भगवान की एक जोग माया और एक तुलसी देवी है। कहती जोग माया क्या करती है, बोले कृष्ण का समस्त लीला, कृष्ण का जो समस्त, समस्त मतलब कृष्ण का जितने सारे लीलाओं को पुष्टि करने वाले ये जोग माया है। सारे लीला जोग माया के बगैर भगवान की कोई लीला भी संपन्न नहीं होगा। लेकिन विशेष करके कृष्ण का जो मधुर लीला है, ये मधुर लीला को जो संपादन करने वाले कौन है, ये तुलसी देवी। कौन है, कहते तुलसी देवी जो मधुर लीला है। जैसे उनको निकुंज बनाना है, राधा कृष्ण का यहाँ मिलन होगा है, अगर राधा रानी को लेकर के आना और कृष्ण को साथ में मिलाना। कभी राधा रानी अगर कुंज बना कर बैठी हो, उस समय कृष्ण को ला करके श्री जुगल मिलन कराना, ये किसका काम, बोले ये श्री वृंदा देवी का ही ये काम है। जैसे हम लोग सवेरे जो मंगल आरती गाते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौर बोला मंगल मुरती मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय। कहते जिस समय श्री प्रिया प्रियतम अभी निकुंज में सो रहे हैं, है? अभी सो रहे हैं निकुंज में, अभी सूर्य उदय होने से पहले राधा रानी को जाना जाबट और कृष्ण को जाना नंदगांव। लेकिन अभी राधा कृष्ण जुगल अभी निकुंज में विश्राम कर रहे हैं और ऐसे विश्राम कर रहे हैं, अभी हो गया सवेरे होने का जा रहे हैं, लेकिन सवेरे होने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी दोनों सोए हुए हैं। लेकिन अभी सखियां राधा रानी को जाबट ले जाएंगी, जटिला कुटिला उठने से पहले राधा रानी जा करके सो जाएगी। जब जटिला कुटिला उठेंगे, देखेंगे मेरे बहू तो सो रही है, और कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण जाकर के चुपचाप अपना घर में सो जाएंगे। जब मैया जसोदा उठेगी ना, देखेगी मेरे लाला तो घर में ही है, मेरे लाला घर में ही है। इसलिए अभी दोनों को जाना है, लेकिन दोनों सो रहे हैं अभी निकुंज में, अभी उनको कौन जगाएगा, वृंदा देवी का काम है। यही वृंदा देवी उनको जगाती है। कैसे जगाती है, पहले जो मुर्गा है ना, मुर्गा को आदेश देती है, बोले देखो पहले देखना, सबरे सबरे सबसे पहले कोई नहीं उठने से पहले मुर्गा देखना गांव में, को 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 सबसे पहले ये मुर्गा बोलता है। इनको बोलते भैया को 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 जोर से बोलो। अभी जब उनको बोले, लेकिन इनका निद्रा टूटी नहीं, जब नहीं टूटी फिर उन्होंने जितने पक्षियों का आदेश देती है, पक्षियां क्या करती हैं,
अपना पंखों को जोर जोर कर झाड़ती है, सवेरे उठते ही है अपना पंखों को झाड़ती है। इसको सुन करके राधा कृष्ण का नींद खुल जाए, तभी इनका नींद नहीं खुलता है। नहीं खुलने पर इतने में कहते भैया अभी क्या किया जाए, है अभी क्या किया जाए। लेकिन जो कू 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 करते हैं ना, उस समय राधा रानी की थोड़ी तो नींद खुलती है। राधा रानी इनको गाली देती है, बोले तुम जाओ कसाई खाने में जाओ, कसाई खाने में जाओ। क्यों? हम लोग सुख निद्रा कुंज में निकुंज में हम सुख निद्रा में सो रहे हैं, और सुख निद्रा को तो भंग क्या है, जाओ कसाई खाना। इसलिए मुर्गा क्या होता है, कसाई खाना में जाता है, मरता है, है? कसाई खाना में ये अभिधाम देती है उनको। और फिर उन्होंने जब इनकी नींद तब भी जब नहीं खुलती है किसी तरह से, उठते नहीं, फिर एक बंदरी है कटखटी है, अब उसको आदेश देती है, बोले तुम जोर जोर से बोलो जटिला कुटिला, जोर जोर से बोलो। फिर वो जटिला कुटिला जोर जोर से बोलने पर, अभी जटिला कुटिला का नाम सुनते ही ना जो उनको थोड़ी सी जो नींद खुली थी, फिर राधा कृष्ण बैठ जाती, राधा कृष्ण बैठ जाती। इसलिए वृंदा देवी नाना रब कराई लो, क्या भजन है, अरे बोलो क्या भजन है, नाना कुंज रब कराई लो। यही जो वृंदा देवी यही क्या करती है, राधा कृष्ण को निकुंज लीला में मिलन करना कराने वाली, और इनको है कुंज भंग करा के, इनको श्रृंगार करा के, फिर उनको क्या करती है, यही फिर कृष्ण कृष्ण को नंदगांव, और राधा रानी चली जाती है जावट चली जाती है। इसलिए जितने सब श्रृंगार लीला, क्यों ये तुलसी में है क्या चीज, अद्वैत आचार्य जब तुलसी पत्ता अर्पण किया महाप्रभु कृष्ण कहते ना महाप्रभु, सुतिया अच्छन खीर समुद्र सागर निद्रा भंग हैलमर नाडार हुंकार, मैं सो रहा था है, मैं सो रहा था खीर समुद्र में, और तुमने क्या किया, तुम्हारी हुंकार से मेरे आसन को तुमने हिला दिया, मेरे आसन को तुमने हिला दिया। क्यों हिला दिया, ये तुलसी में इतने शक्ति क्यों, कि जितने राधा कृष्ण की निकुंज लीला है, जितने उनकी श्रृंगार लीला, ये वृंदा देवी के बगैर उनका कोई भी श्रृंगार लीला नहीं होता। जब श्री राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, जब प्रकट हो गया तब श्री जोग माया वृंदा देवी को आदेश देती है, बोले वृंदे राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर बनाओ, इतने सुंदर बनाओ, पृथ्वी में इतने सुंदर स्थान कहीं नहीं होने चाहिए। अभी जोग माया के आदेश को पा करके राधा कुंड श्याम कुंड में उन्होंने क्या करती है, कौन वृंदा देवी तुलसी देवी सुंदर सुंदर कमल फूल खिला देती है, चार तरह का कमल फूल, नील कमल, श्वेत कमल, लाल कमल और पीले कमल, चार तरह का कमल फूल को खिलाती है, राजहंस क्रीड़ा करती है चार कोड़ा में है, उन्होंने बड़े सुंदर झूलन बनाती है जिसमें राधा कृष्ण आम का वृक्ष में झूला, कदम वृक्ष में है वहां पर वर्णना किया, बड़े सुंदर झूला बनाती है, और इतना सुंदर पेड़ पौधा लता बताओ को इतने सुंदर सजाती है, कुंज सजाती है, ऐसे कुंज सजाती है वृंदा देवी, किसी कुंज का रंग नील रंग, किसका पीले रंग, किसके सफेद रंग, और कैसे कुंज बनती है, केवल फूलों फूलों से कोई कुंज तो बनता है केवल पत्ते पत्ते से, और उसको अंदर में प्रवेश करते ही राधा कृष्ण जब प्रवेश करते हैं वो कुंज का रंग और राधा कृष्ण का दोनों का रंग एक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दरवाजा में खड़े होकर के अंदर में क्या हो रहा है देखना चाहे तो देख नहीं सकते, ऐसे ये वृंदा देवी की करामती ऐसे। इसलिए कहते हैं ना चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रोम मयतरुलता ताहे कुंज सत सत चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रोम मयतरुलता ताहे कुंज सत सत। इसलिए ये वृंदा देवी सारे काम वृंदा देवी चिंतामणिमय राधा कुंड तट, जो राधा कुंड का जो तट चिंतामणि से बना हुआ होती है, वृक्ष में है वृक्ष में हीरे जवारा असरफिया जो बड़े सुंदर सुंदर जो मुक्ता फल, बड़े सुंदर वृक्ष में मुक्ता फल खिलता है,
मुक्ता आता है समुद्र से, लेकिन वो वृक्ष में, वृंदावन में मुक्ता वृक्ष है, वृक्ष में मुक्ता फैले है। और कितने कुंज बनाती है सभी के लिए, ललिता के लिए ललिता सुखद कुंज, विशाखा सुखद कुंज, तुंगलता कुंज, ये जितने सारे कुंज है ना, अनंग मंजरी कुंज, ये सब कौन बनाती है? बोले ये तुलसी, तुलसी बनाती है, एक तुलसी बनाती है। तब भी महाप्रभु क्या हुए, भगवान वैकुंठ से तुलसी का विनिमय में, क्यों तुलसी में है क्या चीज, ये तुलसी में है क्या चीज, ये तुलसी बता देने से भगवान सर खुजलाना क्यों शुरू कर देते हैं, ये साधारण है ही नहीं तुलसी। राधा कृष्ण की बोले आठ तरह से जीव का कल्याण करती है, कितने तरह से, क्या क्या बोलो, बोलो कोई बोल सकता, कैसे आठ तरह से तुलसी जीव का कल्याण करती, कैसे बोलो, बोले दृष्टा, इस लोगों को तो याद करना, दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा, ये श्लोक में वर्णना किया है। दृष्टवा केवल तुलसी को दरस परस अघनाश ही, केवल उनका जो दर्शन कर दिया ना तुलसी, केवल दर्शन कर लिया सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन मात्र से ही सारे अमंगल, स्पर्शवा केवल स्पर्श कर ले, जैसे गले में हम तुलसी कंठ धारण किया, ये स्पर्श को द्वारा कल्याण कर रहे हैं, स्पर्श को द्वारा। एक पुराण में कथा आती है, बोले एक समय एक व्यक्ति रास्ता पर जा रहा था, जाते जाते हठात उन्होंने देखा जमदूतों को देखा है, उन्होंने जमदूत को देखा, बड़ा भयंकर रूप था, रास्ता में तीनों जमदूत खड़े हुए, देखते हुए व्यक्ति भागना शुरू किया, वो व्यक्ति था मुसलमान। तब वो जमदूत ने कहा भैया भागने का जरूरत नहीं, क्यों भाग रहे, तुम अपना रास्ता में जाओ। बोले तुम लोग है कौन, रास्ता में क्यों खड़े हो? बोले हम लोग जमदूत है। बोले यहाँ पर क्यों खड़े हो? बोले देखो हम मरने से पहले हमको पता चल जाता है कौन कहाँ पर कोई मरने वाले। बोले क्या कोई मरने वाला है यहाँ पर? बोले हाँ, थोड़ी देरी बाद में यहाँ पर एक बैलगाड़ी में बैठी करके एक व्यक्ति आएगा, और यही आते ही एक बैल रस्सी तोड़ करके भागेगा, जब भागेगा और वो जो किसान उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ेगा, जब उसको पकड़ेगा ना वो बैल बड़ा गुस्सा में रहेगा और सींग से उसको पेट को ऐसे मारेगा, इस पेट को फाड़ देगा और यहीं पर मरेगा, तो हम उसको लेने के लिए आए नरक ले जाएंगे। उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा, कहते क्या बात, सही बात है। तो उसने वहीं पर खड़ा हुआ, जब खड़ा हुआ इतने में सचमुच से देखा एक किसान आ रहा है बैलगाड़ी में बैठी करके, और वहीं आते ही वो बैल रस्सी तोड़ करके जो भागा और किसान पकड़ने के लिए गया और गुस्से में थे, मारा उसको पेट में इसे फाड़ दिया और वहीं पर फेंक दिया। फेंकते ही इतने में क्या हुआ, वैकुंठ से चार विष्णु दूत आ गए और आते ही जो तीन जमदूत थे वहां से तेजी से भागे, वहां से भाग करके दूर में जाकर खड़े हुए, और वह व्यक्ति क्या हुआ, जो व्यक्ति को गिराया वो गिरते ही वहां पर था कि तुलसी बगीचा, जो उसकी प्राण छुटी, छुटते समय उसका शरीर वो तुलसी वृक्ष में ही लगा हुआ था, केवल तुलसी वृक्ष को ऊपर में गिरा उसको शरीर, इसलिए तुलसी में किसका निवास है, भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपना स्वरूप को चार जगह पर रख कर गए, कहाँ कहाँ पर बोलो, कौन बोलेगा कहाँ कहाँ पर रख कर गए, और चतुर्थ विग्रह कृष्णा यही चारिशन, इसलिए भागवत तुलसी गंगाए भक्त जने, चतुर्थ विग्रह कृष्णा यही चारिशन, यहाँ पर चार स्थान पर भगवान का निवास है, गंगा है, भागवत में है, भगवान का शुद्ध भक्त और श्री तुलसी वृक्ष में भगवान की निवास है, भगवान का निवास है, इसलिए वो सीधा वैकुंठ उसको है। इतने में जब उनको वैकुंठ लेकर चले गए, इतने में जो मुसलमान था उसने पूछा भैया क्या बात है, तुम लोग तो जो कुछ बोल रहे थे सब सही था, लेकिन जो लास्ट का जो दृश्य सीन ये तो बड़ा अद्भुत था, वो व्यक्ति गिरते ही पता नहीं कहां से एक रथ आया, चार विष्णु तो आए और तुम लोग यहाँ से भाग खड़े हुए, बोले क्या कारण है, बोले देखो जिस समय वो व्यक्ति को सांड ने मारा, बैल ने, जहां पर गिराया वो तुलसी वृक्ष के ऊपर गिराया था, और तुलसी में भगवान की ये वृंदा देवी भगवान की शक्ति है, प्रिया है, और उसमें भगवान का निवास, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई। बोले तुम लोग भागे क्यों?
बोले हम लोग बहुत डरते हैं। एक समय ये अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, उसने केवल अपना बेटा का नाम नारायण लिया था, तो हम गए थे लेने के लिए और हमने बड़ी पिटाई खाया, हम लोगों ने पिटाई खाई, इसलिए हम डरते हैं इनको, इसलिए देखते ही हम लोग भाग गए, फिर पिटाई खाना है, फिर पिटाई नहीं खाए। वो मुसलमान ने देखा बाबा रे ये तुलसी में इतने शक्ति, अंतिम समय में शरीर केवल तुलसी वृक्ष में लगाते सीधा भगवत धाम को। उसने क्या किया, घर में आकर के ना तुलसी वृक्ष को काट काट करके उसने माला बनाकर पहनाना शुरू किया। लोगों ने पूछे भैया तू मुसलमान होकर तुलसी कट क्यों पहने, पर उनने सारी कथा सुनाया, मैंने अपना आंखों से ये चीज को देखा है, इसलिए गले में तुलसी कटी रहेगा ना, जब दूत कभी हमें नहीं ले जाएंगे। बोले दृष्टा स्पर्शा, बोले तथा ध्याता है, केवल ध्यान से जीव का कल्याण करते हैं। रोपिता कहते जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष रोपण करते हैं, बोले तुलसी वृक्ष रोपण नहीं करते हैं, हृदय में कृष्ण भक्त के बीज को बोते हैं। वो तुलसी वृक्ष जो लगाते हैं ना, बड़ा महत्व बताया, तुलसी वृक्ष नहीं लगाते हैं, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज को बोते हैं, हैं? नमिता, नमिता मतलब हम लोग रोज तुलसी को प्रणाम करते हैं। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमो, रोज हम तुलसी को प्रणाम करते हैं। इसलिए हैं दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता कीर्तिता, जो तुलसी की महिमा को जो कीर्तन करते हैं, हैं? इसलिए जो तुलसी की परिक्रमा करते हैं, जो तुलसी की आरती दिखाते हैं, बोले आठ तरह से जीवों का कल्याण ये तुलसी देवी आठ तरह से कल्याण करती हैं। इतने इसलिए हम लोग रोज क्या करते हैं, सवेरे भी तुलसी परिक्रमा करते हैं, शाम को भी तुलसी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति जीव को प्राप्त होगा, है? इसलिए कहते एक समय जिस समय पूरा सूर्य का पूर्ण ग्रास था, जिसमें सारे द्वारकावासी, जिसमें सारे ब्रजवासी भी गए थे, कहाँ पर हैं, कहाँ पर गए थे, कुरुक्षेत्र में गए थे। जब कुरुक्षेत्र में गए, वहां पर नियम है जब सूर्य ग्रहण के बाद में सब स्नान करते हैं, स्नान करके फिर नियम है साधु संत को दान देनी चाहिए। अभी नारद जी वहां पर गए थे, अभी जब सबके सब कृष्ण भी वहां पर आए थे, महिषिया भी आई थी तो इतने में नारद जी महिषियों को बोले देखो नियम है ये प्रभास क्षेत्र में स्नान करके साधु संतों को दान करनी चाहिए। देखो घटिया चीज नहीं, सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज संतों को वैष्णव को दान देनी चाहिए, इसलिए तुम लोग से दान दो। बोले हमारा सबसे बढ़िया तो हम कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई बढ़िया है तो कृष्ण ही है, बोले फिर कृष्ण को दान दो। अभी उन लोगों ने संकल्प किया, संकल्प करके नारद जी को कृष्ण को दान दिया, बोले देखो तुम लोगों ने कृष्ण को दान दिया, संतों को साधु को दान दिया, अभी मेरा चेला बन गया, अभी इसको लंगोटी पहना करके और मुड़ मुड़ा करके चोटी और तिलक लगा करके मैं चेला बनाकर ले जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, बोले तुम लोग दान दिया ना, तुमने दान दिया कृष्ण को संकल्प करके, अभी मेरा चेला है, फिर गुरु जैसे चला तो वैसे बनेगा ना, इसलिए अभी तो मैं ले जा रहा हूँ। बोले नहीं हम तो कृष्ण के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। बोले महेश्वर ने पूछा अभी बताओ आपसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले एक काम कर सकते हो कृष्ण के बराबर हमें सोना दे करके ले सकते हो। इतने में रुक्मणी है वहां पर, रुक्मणी एक तराजू मंगाया और कृष्ण को एक तरफ में रखे, पहले पहले लोग एकदम सर से लेकर प्यार तक सोने पहना करते थे, हैं? सर से लेकर प्यार तक, तब तो एक दूसरे तरफ में रुक्मिणी ने सारे अलंकार उतार करके एक तरफ में धर दिया, लेकिन कृष्ण टस से मसे ही नहीं हुए, हैं? फिर तो रुक्मिणी इधर उधर झांकने लग गई, फिर सत्यभामा समझ गई, फिर सत्यभामा भी सारे अलंकार उतार करके दूसरे तरफ में रख दिया, कृष्ण टस से मस नहीं, वो भी इधर उधर झांकने लगी, काले दी समझ गई, जितने महिषियां थी ना सारे अलंकार उतार करके दूसरे तरफ में रख दिए, कोई भी उनको टच से कोई बस नहीं कर सके। कृष्ण ने कहा भैया अगर बराबर नहीं दोगे तो फिर तो हम कृष्ण को लेकर जाएंगे, हैं? बोले भैया क्या किया जाए, पता चला वहां पर श्री राधा रानी आई, बोले श्री राधा रानी आई, बोले चलो सबके सब श्री राधा रानी की शरण में जाते हैं। जब राधा रानी की शरण में गई तब राधा रानी आई, बोले सबके सब हटा दो और एक तुलसी पता लाओ,
और तुलसी पत्ते में उन्होंने आंखों का आंसुओं से कृष्ण नाम लिख करके जब दूसरे तरफ में धरा तो एकदम कृष्ण हल्का होकर के एकदम कृष्ण ऊपर उठ गए। बोले श्री तुलसी देवी की, बोले श्री कृष्ण नाम की। कहते ये तुलसी में इतने शक्ति है, ये तुलसी और कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, पूरा भगवान को सारा दुनिया की जितने सोना हीरे जवाहरात भी जो बराबर नहीं कर सके, लेकिन तुलसी और कृष्ण नाम को सामने क्या हुआ, कृष्ण जहां पर कृष्ण एकदम हल्का हो गए ऐसे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब अद्वैत आचार्य ऐसे जो तुलसी, जब उन्होंने तुलसी पत्ते को उन्होंने भगवान को अर्पण किया और उसको साथ साथ में उन्होंने श्री गंगा जल को है, गंगा जल को, इसलिए गंगा जल क्या है, बोले प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल। कहते गंगा पानी साधारण नहीं, भगवान की ये चरणामृत है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे थे, उन्होंने बड़े दूर तक उन्होंने देखा कहीं भी भगवान का नाम गंध नहीं, लेकिन जब एक जगह पर गया हठात उन्होंने सुना हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो भैया इतना दूर तक आया कहीं भगवान का नाम गंध तक नहीं था, यहाँ पर लोग कोई हरि बोल कैसे कर रहे। उन्होंने पता चला पास में गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, केवल उसका गंगा की जो हवा में इतने शक्ति, जिसको शरीर में गंगा की हवा भी लग गया ना उसका भी कल्याण कर देते। इसलिए यहाँ पर कहते प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल, सीम जे तुम्हार तत्व जाने न सकल, सकृत तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति है कि पुनः भक्षण, तुम्हार प्रसाद जे कृष्ण है न नाम, स्फुरय जिबर मुखे यही नहीं यार, कीट पक्षी श्रीगाल कुकुर जदि है तथा भी तुम्हार जदि निकट बसे है। कहते भले ही कोई भी तुम्हारी निकट में अगर बैठता है, अगर तुम्हारे कोई नाम तक भी श्रवण करता है, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारे प्रसाद में क्या होता है, जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति स्पूर्ण होता है। इसलिए ये गंगा जल है, इसलिए श्री शंकर जी है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, उन्होंने पूरा गंगा जी को उन्होंने पूरा एक अष्टक लिखे है। इसलिए यद्यपि यमुना की बड़ी महिमा है, लेकिन भारत में अगर किसको पूछो हमारे गौड़ीय वैष्णव को छोड़ करके सबसे पुण्य नदी कौन सा दुनिया, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, गंगा का ही नाम लेगा है, बोले हर हर गंगे है, गंगा का ही नाम लेगा। इसलिए ये गंगा जल साधारण वस्तु नहीं, तुलसी साधारण वस्तु नहीं, इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं है? इसलिए तुलसी दल मात्र न तुलसी चुल गंगा, इसलिए तुलसी और तुलसी दल और गंगा पानी जब उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने अर्पण किया, भगवान के आसन हिल गया और भगवान ने क्या किया, गोलोक वृंदावन छोड़ करके भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में जगत में प्रकटित हो गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जो क्या कहते हैं, ये गौर आना ठाकुर जिन्होंने श्रीमन गौ महाप्रभु को जगत में लाए। इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले दया कर सीतापति, बोलो अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। इसलिए श्री अद्वैत प्रभु, इसलिए जब श्री लोचनदास ठाकुर जो भजन गाते हैं ना, एल गौर रस नदी बोला कद बिनि होए भसाई लगौर देश प्रेम बृष्टि दिए, होड़ो शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा ताए जाए रामानंद। इसमें श्री अद्वैत आचार्य जो क्या उदाहरण देते हैं, बोले हुड़ हुड़ शब्द में बंगाली कोई यहाँ पर है, कौन बंगाली यहाँ पर हाथ उठा दो, कोई बंगाली,
गोपाल बोलो हुरु हनुमान की, हुरु हनुमान की बोलो, हुरु हुरु किसको कहते हैं? हाँ, जैसे काल रात को काल बैसाखी आई ना, हठात कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे आंधी तूफान आ गया, उसी तरह हुरु हुरु शब्द मतलब होता है कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, आकाश में जैसे काल बैसाखी आ जाता है ना, ऐसे ही अद्वैत आचार्य हुरु हुरु है, हुरु हुरु मतलब काल बैसाखी जैसे आ करके एकदम कुछ नहीं है, एकदम बारिश ही आ करके सबको भिगा करके सब चले जाते, बारिश ही हटात आई और सबको भिगा करके चली गई। कहते यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हुरु हुरु शब्द आयल श्री अद्वैत चंद्र, अद्वैत चंद्र ने क्या किया, उन्हें एकदम हुरु हुरु शब्द में आए और आकर के महाप्रभु को उन्होंने गोलोक वृंदावन से उन्होंने बुलाए और बुला करके उन्होंने क्या किया, सब जीव को उन्होंने महाप्रभु का प्रेम को दे करके राधा रानी की निकुंज सेवा को दे करके श्री अद्वैत आचार्य जगत से चले गए। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का ये कारण है, अद्वैत आचार्य उनका आह्वान किया। कहते मुख्य में जो गौण कारण है ये अद्वैत आचार्य की कृपा से ही, इसलिए दया कर सीतावती अद्वैत गोसाई तब कृपा वाले पाई चैतन्य निताई। बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोले श्री सीता देवी की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरि बोल। जो जहाँ पर है सब सब ताली बजाते हुए कीर्तन करो, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हो सब लोग सब ताली बजा कर कीर्तन करो, जैसे करुणा चली जाए, करुणा चली जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भज 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 गोपाल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
जय श्री श्री गुरु गौरांगन राधा गोविंद गोपनाथ मदन मोहन की विजय लीला प्रभु शशिल भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु कृष्ण विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत लीला नारायण गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु कृष्ण विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत लीला बामन गोस्वामी महाराज की जय लीला प्रभु कृष्ण विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत लीला स्वामी महाराज की जय लीला प्रभु कृष्ण विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत लीला जय श्री भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज की जय जनित लीला प्रभु शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुत हरि की जय सपरिकर गौर हरि की जय हरि नाम संकीर्तन विजय भक्त तुलसीदेव विजय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मन की विजय राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा कुलांदर राधांदर विजय सर्वविष्ट प्रता गिरिराज महाराज की जय श्री श्री क्या नाम भूल जाता बुधैन महाराज की गौर भगवान बह धन्यवाद